किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। जी उस्तादा, आपने मफाद परस्त लोगों के बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी ना, तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए मैं आपको जस्ट शेयर करना कर लेना चाहती हूँ। मतलब जी, नाम ऐसे नहीं भी हो सकता है। बताना हाँ, नाम लेकिन नहीं बताऊँगी। जी। एक्चुअली वो काफ़ी थे, बाप और बेटा। पहले बाप ने माँ बाप और बेटा था, और वो क्रिश्चियंस थे। तो बाप ने पहले ईमान ले आए थे। तो बाप बाप ने फिर आके हम लोगों से कहा कि मतलब ये मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, तो मैं आपको रिलेट कर रही हूँ। तो हमारे मेरे हस्बैंड और ऐसे भी जो दीन का काम जो करते हैं, मतलब जो रिवर्टेड लोगों को है, जो उनको माली मदद करते हैं ज़कात की, तो ऐसे फंडिंग में कहीं पे उनको पता चल गया, और वो जो बाप है वो आके हमारे हस्बैंड के जो ग्रुप है उसमें आके बोला कि मेरे बेटे को एमसेट में इतना सारा रैंक आ गया है। वाकई में अच्छा पढ़ता था वो लड़का, तो वो ईमान भी लाना चाहता है, तो पहले उसको मतलब इस्लाम में ले आया। उसके बाद जो ये डॉक्टर जो पढ़ने का है उसके लिए माली मदद के लिए पूछने लगा। तो हम लोगों ने मतलब काफ़ी सारा ज़कात का माल जो भी आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा शेयर करके, मैं और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स और उनके फैमिली, ऐसे कुछ ज़कात के पूरा अमाउंट डाल करके अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करा के, उसको अलग से रख के, उसको लैपटॉप सेल वगैरह सब दिए थे सदा। लेकिन वो जो ना, सिर्फ जो आपने जो बताए थे ना, अपने हमारे जो माल के लिए है, जो फ़ायदा जो हो रहा है उसके लिए आया था सदा। तो वो मेरे हस्बैंड ने भाप लिया था, लेकिन जो बाकी के मेंबर्स थे वो मानने के लिए तैयार नहीं था। इतना अच्छा बिहेव कर रहा था उस वक्त, जैसे आपने कहा ना, मीठी मीठी बातें और बिहेवियर, तो ऐसे कैसे जासूसी वैसे से करके, कैसे विथ प्रूफ विथ मार्क्स एवरीथिंग, जब कॉलेज जाके इंक्वायरी किए तो सब सब फ्रॉड निकला उसका था। उसने ज्वाइन तो किया है लेकिन पढ़ नहीं रहा था। जब मेरे हस्बैंड ने मार्कशीट्स पूछे थे तो डुप्लीकेट मार्कशीट्स बना के भेज रहा था वो सारा। एवरीथिंग वाज अबाउट डिस्टिंक्शन, 80-90 ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में। तो फिर जो रूम हम रेंट के लिए दे रहे थे, वहाँ पे जाके छापा मारा तो सारे एकदम पूरे पॉन के वीडियोस थे, और जहाँ पूरा वो मतलब जो अपना मिशनरी था ना, वो मिशनरी कवर कर रहा था जो। हाँ, तो फिर वैसा हुआ, वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। तब से बहुत डर लगता है, मतलब हाँ, किसी को यकीन करने से भी डर लगता है। इसीलिए मैंने वो ज़कात का जो डाला हुआ है, देखो वीडियोस पे यूट्यूब पे, वो मैंने वही बताया हुआ है कि ऐसे वैसे झट से किसी को ना दे, पहले मालूम करे बराबर से। हाँ, फादर था ना, कई साल से था हमारे साथ, मतलब इतना यस टुगेदर था हमारे साथ। तो फादर अभी भी अच्छा है वो, लेकिन बेटा ऐसा हो गया। जी, इसलिए मालूम पहले करें। और अभी आपने अच्छी नीयत से दिए, इंशाल्लाह आपको अजर तो मिलेगा उसका, इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखे, पहले मालूमात निकाले कि सही में ये उसके हकदार है क्या नहीं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हमारे पास ज़कात के पैसे आते हैं, तो वो जो देने वाले हैं हमारे पास ज़कात के, वो हमारे ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करके दे रहे हैं कि हम किसी को भी ऐसे अरे गरे को नहीं देंगे। तो पहले मालूम करें और फिर दें। लेकिन फिर भी आपको नहीं मालूम था और आपने ये चीज़ की, इंशाल्लाह उसका अल्लाह अजर दे देगा। लेकिन फिर भी आगे, अब ये है कि बोलते ना कि मुसलमान जो होता है ना, वो बार बार डसा नहीं जाता, क्योंकि वो पहले ही एहतियात कर लेता है। ये जो भी होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। ये हमारे लिए एक सबक था, अल्लाह बताना चाहता था। अच्छा हुआ कि एक के साथ ही हमारा ये हाल हो गया, वरना हम ऐसे कई लोगों को देते हैं। अल्लाह ने हमारी आँख खोल दी।